प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। दशरेश भारत शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें, तो आइए शुरू करते हैं दशरेश भारत शो। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को ब्रेक लेने की सलाह दे डाली है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहता है तो राहुल गांधी को अलग हटकर ब्रेक ले लेना चाहिए। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल खुद को चुनाव प्रचार में झोंक चुके हैं, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल को लेकर बड़ी बात कह डाली है। प्रशांत किशोर को राहुल गांधी में चुनाव जीतने वाला दम नजर नहीं आता। प्रशांत किशोर पिछले 10 साल में राहुल गांधी को राजनीतिक कौशल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस को मिल रही लगातार हार को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को सुझाव दिया है कि किसी दूसरे को पार्टी चलाने का मौका देना चाहिए। वैसे तो कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका और विपक्षी दल समेत देश का एक आम तबका चाहता है कि कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए गांधी परिवार को कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का शासन था, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस ने सारे चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर ही लड़े हैं। 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, लेकिन राहुल को आगे करके चुनाव लड़ा तो 2014 में कांग्रेस को महज 44 सीटें ही मिली। 5 साल बाद 2019 में राहुल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष थे और पार्टी के पीएम उम्मीदवार भी, और इस चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस कई बड़े राज्यों में सत्ता से बेदखल हो गई है। राहुल के इसी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रशांत किशोर ने ये टिप्पणियां की हैं। 2019 में मिली बड़ी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उनकी मां सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और अब पिछले 2 सालों से ये जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया गया है। लेकिन पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई। राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कोई नए और ताज़ा नहीं है। पिछले 10 सालों से ये सिलसिला जारी है। बीजेपी समेत कई राजनीतिक पार्टियां इसे संसद से लेकर चुनावी रैलियों में खूब उछालती रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अच्छे नतीजे नहीं मिलने के बावजूद राहुल गांधी ने ना तो रास्ते से हटे और ना ही किसी और को आगे आने दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक चीज़ जो सबको दिख रही है कि कांग्रेस में नेताओं की अगली पीढ़ी तैयार नहीं हो पा रही है। बुजुर्ग नेता आज की पीढ़ी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण बीजेपी 10 साल से बढ़त बनाए हुए है। आज के समय में कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को मजबूर है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस पतन की ओर है। हालांकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही नतीजों के बाद के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उनका कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर जरूर विचार करना चाहिए। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के एक और वारिस आजकल चुनाव प्रचार में खूब दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआरमान इस वक्त उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वे लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, वहीं उनके इस अंदाज को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वे पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के केपी यादव से हार गए थे। वहीं इस चुनाव में बंपर जीत के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महाआरमान सिंधिया भी उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। महाआरमान सिंधिया को अपने बीच पाकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। क्षेत्र के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज और उनके बेटे महाआरमान को युवराज कहकर संबोधित भी करते हैं। हालांकि जनता के बीच जाकर महाआरमान ने सबको अपना परिवार को खुद को उनका बेटा बताया और कहा कि वे कोई युवराज नहीं बल्कि क्षेत्र के परिवार का ही हिस्सा हैं। क्योंकि आज भारत दुनिया में सबसे बड़ी प्रजातंत्र है और आज इस प्रजातंत्र में करीब 70% यंग वोटर्स है, तो ये बड़ी गर्व की बात है एक युवा होने के नाते।
मेरे लिए कि आज दुनिया इस देश को देख रही है, जिस तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम मतदान देने जाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से सारे युवाओं को बोलना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप कृपया करके अपना मतदान का हक लेकर वो वोटिंग मशीन पे जाइए, और जो भी जिस पर भी आपको बिलीफ हो आप उस पे वोट डालिए। सिंधिया के बेटे ने युवाओं को साधने का काम भी शुरू कर दिया है। महा आर्यमन सिंधिया चंदेरी में भजन कीर्तन करने के साथ समोसे तलते और छोटे दुकानदारों के साथ बातें करते हुए भी नजर आते हैं। तो वहीं उन्होंने चंदेरी में एक बुनकर की दुकान पर पहुंचकर अपनी मां प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के लिए चंदेरी साड़ी खरीदी। आपको बता दें कि गुना लोकसभा सीट पर सिंधिया परिवार के सदस्यों ने 14 बार जीत हासिल की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया गुना सीट से 4 बार सांसद चुने गए, जबकि उनकी दादी राजमाता विजयाराजा सिंधिया 1957 से 1998 के बीच 6 बार इस सीट से जीती। वहीं आपको ये भी जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को और गुना में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी भी आज से लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन लॉन्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान गड़बड़ा गया है। हालांकि आज कैंपेन लॉन्चिंग के मौके पर पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैंपेन लॉन्च किया। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आज से 3 दिन तक असम में चुनाव प्रचार कर रही हैं। आतिशी डिब्रूगढ़ और सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही हैं। आतिशी चुनावी रैलियों के साथ साथ असम के दुलियाजान में एक रोड शो भी करेंगी। इन सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुवाहाटी के म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी एक सीट जीत के आएगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तिनसुकिया के चुनाव में म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी एक सीट जीत के आएगी। लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए, अरविंद केजरीवाल ने अच्छे अस्पताल बनाए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब में महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी, अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को नौकरी दी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, वो डर। वहीं शराब घोटाले में सशर्त जमानत पर रिहा हुए संजय सिंह ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्ताधारी पार्टी पर घोटाले के गंभीर इल्जाम लगाए। कहा कि देश की जनता से छिपाकर केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचार बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किया है। घोटाले के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया और हजारों करोड़ों रुपए के टैक्स की छूट भी दी, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके हम लोग जानते ही नहीं। कागजों पे बनी आपको चंदा दे दिया। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये आपके बयान है, 3 लाख कंपनियों को आपने बंद किया, यानी फर्जी सेल कंपनियों को आपने बंद किया, तो उन फर्जी सेल कंपनियों से आपको चंदा कैसे मिला प्रधानमंत्री जी, बताइए आप देश को। लोकसभा चुनाव की मुनादी के बाद राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैली करने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर बार की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली हुई है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतरे और बस्तर से बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए वोट मांगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले नक्सलियों के गढ़ बस्तर में और फिर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर पीएम के निशाने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन रहा। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विस्तार से बताते थे यहाँ की भाजपा सरकार ने
धान किसानों के बकाए रकम को चुकाने की गारंटी पूरी कर दी, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गारंटी पूरी कर दी। मैं यहां की बहनों को विशेष बधाई दूंगा, महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। और मेरे साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया, काशी बाबा के धाम से मुझे इस योजना में भागीदार बनने का कार्यक्रम में साथ आने का मौका मिला था। यहां की लगभग 70 लाख बहनों को हर साल 12,000 रूपये मिलना तय हुआ है। इसमें बस्तर की 5 लाख से अधिक और कांकेर की 5 लाख से अधिक बहनें भी इसकी लाभार्थी है, उसका लाभ ले रही है। बीजेपी ने चंद्रपुर लोकसभा सीट से राज्य के वन संस्कृति और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी 19 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है। 8 साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 54 सालों बाद सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण है, जो करीब 5 घंटे 25 मिनट तक चलेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसके चलते जब ग्रहण अपने चरम पर होगा तब कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिसके कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। भारत के समय के मुताबिक ग्रहण रात 9:12 से शुरू होगा और देर रात 2:22 पर पूरा होगा। जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में रात होगी। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अमेरिका, कैनेडा, कोलंबिया, वेनेजुएला, आयरलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, पनामा, रूस और बहामास जैसे देशों में देखा जाएगा। ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।